गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रिया अमेजिंग प्रिया से आज मैं आप लोगों के लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ। मैं मेकअप करने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ। सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक अपना शेयर कर रही हूँ। सो यही, चलिए शुरू करते हैं ना। मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ और ना मैं कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। मैं डेली मेकअप में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैं डेली मेकअप में इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। सो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप लुक। डेली मैं मेकअप कैसे करती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपना मेकअप, डेली मेकअप। और मैं अपना डेली का मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बट इतना टाइम नहीं मिलता। और मैंने ये पफ बनाए हुए हैं, मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है, ग्रे कलर की मेरी कुर्ती है और ये मेरी चुन्नी है। सो फिर चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए फिर पे अप्लाई करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। और जैसे कि आपको पता है मैं एलोवेरा जेल रोज़ अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। और हो चुका है। सो अब मैं मैं भूल जाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेकअप तो मुझे याद रहता है, जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। अब मैं बारी आती है पानी दिख रहा है या नहीं लैक्मे का। और मैं हर चीज़ आपको दिखा के अप्लाई करना पसंद करती हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोगों को दिखा के तब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँ, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इन सब चीज़ों का मैं भर भर के यूज़ करती हूँ ताकि मेरे फेस पे ना कोई भी हार्श लाइन ना आए, मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और हार्श लाइन ना आए और नेचुरल लुक दिखे। इसलिए मैं इन सब चीज़ों का भर भर के यूज़ करना पसंद करती हूँ। सो हो गया, अप्लाई करती हूँ मैं, वो अप्लाई करूँगी और कुछ भी मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया मैं बिना कंसीलर और बिना फाउंडेशन के मेकअप लुक आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बोला है पहले ही। तो मैं ये घर पे जो पाउडर मैं डेली अप्लाई करती हूँ वो मैं पाउडर थोड़ा सा ली हूँ। सो मैं एक ब्रश की मदद से मैटी लुक दे रही हूँ इसको।
ब्लशर अप्लाई नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा लाइनर अप्लाई करूँगी और तो मैं थोड़ा सा पाउडर लेके अपने फिंगर की मदद से ही आईज को थोड़ा सा आईज में अप्लाई कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं ना। इसके ना अगल बगल बहुत ही डार्क सर्कल्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश किया बट जाता नहीं है। और मैं होम रेमेडी आजकल मतलब इस्तेमाल कर रही हूँ डार्क सर्कल्स हटाने के लिए, मैं होम रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो होम रेमेडी मैं अपने फेस पर क्या लगाती हूँ, मेरी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। सो उसके बाद और बारी आती है तो ये मेरा छोटा सा लाइनर। सो गाइस मेरा लाइनर लग चुका है और मेरा लाइनर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा। तो अब मैं यहाँ मस्कारा अप्लाई करूँगी तो मस्कारा मेरा अप्लाई हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ लिप लाइनर। सो अब मैं यहाँ पे आउटलाइन अप्लाई करूँगी और मैंने ये छोटा सा आउटलाइन ले रखा है, लिप लाइनर ले रखा है क्योंकि ये मेरा ना ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे इसको सॉफ्टनर है ना तो इससे मैं इसको छीन लेती हूँ ऐसे बचपन में जैसे हम लोग छीनते थे अपनी पेंसिल। सो बिल्कुल उसी तरह से है ये। So, अब मैं यहाँ पे ये वाली लिपस्टिक आज अप्लाई करने वाली हूँ और उसका शेड नंबर है 22। हो
हो चुका है, थोड़ा सा मुझे लाइट कलर लग रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँ या ना करूँ, थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, है ना। तो थोड़ा सा डार्क रहेगा ना, तो मैं एक पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक मेरी अप्लाई हो चुकी है और मुझे डिजायर कलर मिल चुका है, जैसा कलर मुझे चाहिए। इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी सिंदूर, थोड़ा हर चीज़ में थोड़ा निकल जाता है। मैं सिंदूर अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं मेरे फाइनल लुक में आप लोगों के सामने आती हूँ। तो कैसे रहा मेरा फाइनल लुक और कैसा लग रहा मेरा फाइनल लुक तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक। सो मैंने ये ग्रे कलर की कुर्ती डाली हुई है और मैंने ये ब्लैक चुन्नी ले रखी है और ब्लैक लेगी है, मेरी ब्लैक चुन्नी है, ग्रे सूट है, कुर्ती है और ग्रे कलर की, और मैंने ये बालों में मेहंदी जो लगाए थे ना, सो देख सकते हैं कितना अच्छा कितना औसम कलर आया है। ओ एम जी कितना औसम कलर आया है, और आप खुद ही देख लीजिए। और मैंने अपने बालों को अभी वॉश नहीं किया है और मेहंदी मैंने बिना शैम्पू के मैंने मेहंदी अपना धुल लिया था, और अभी मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी फिर उसके बाद शैम्पू करूँगी कल। सो अभी मैंने इसमें शैम्पू नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैसे लग रहे हैं, बट बहुत तो मेक श्योर लाइक तो ज़रूर करें, और एक लाइक करके तभी जाना, मेरी वीडियो को देख के एक लाइक करके तभी जाना। और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो, और तो प्लीज़ लाइक करना मेरे चैनल पे, जो नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी हर आने वाली वीडियो देखिए, मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं दो बार या तीन बार बोल रही हूँ, सो उसके लिए माइंड मत करना, और थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नई सी वीडियो के साथ। गुड नाइट।